टुडेज टॉपिक डिफरेंस इलेक्ट्रोड। जो डिफरेंस इलेक्ट्रोड है इट उसके पास जो होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके नोन होते हैं, एंड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ नोन एज द हाफ सेल पोटेंशियल कॉन्स्टेंट। और ये जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा ये होता है कॉन्जुगेट होता है विद द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑफ एंड सेकेंड आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इससे कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के। फर्स्ट होता है इट ओबेज द नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन को ओबे करता है। एग्जिबिट द कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, और इसका जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका कॉन्स्टेंट होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। एंड इट एग्जिबिट द लिटिल चेंज विद टेम्परेचर और नॉट चेंज, और ये जब टेम्परेचर के टेम्परेचर चेंज करने पे इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा चेंजिंग दिख नहीं आती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में ज़्यादा चेंज नहीं दिखी आती है टेम्परेचर के चेंज करने पे। एंड टाइप ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, कैलमोल इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। फर्स्ट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ H+2H2 एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इस पर हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन H+ से H2 में रिडक्शन होता है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। ये केस होता है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन इन विच हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इज 1 एंड इन विच द H2 गैस इज बबल्ड एट द प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा ये यहाँ पे डायग्राम ले सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और जिसके ये कंटेंट किया होता है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस पर जो कंसनट्रेशन ऑफ यहाँ होता है हमारा हाइड्रोजन की जो एक्टिव हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटी होती है यहाँ 1 मोलर होती है हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी यहाँ पे, और H2 गैस यहाँ पे बबल्ड होता है, ये हमारा H2 गैस है, और वो जो इसका प्रेशर रहता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। एक कन्वेंशनल साल्ट ब्रिज कनेक्ट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू द इंडिकेटर हाफ सेल, द सदर्न नोटेशन फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज लाइक दिस, प्लेटिनम हाइड्रोजन एट 1 H2 दैट इज H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर and H+ ion and its activity is 1 and the standard state potential for the reaction is this 2H+ electron gives S2 and the standard hydrogen electrode is represented as like this. This is platinum wire and electrical connection and salt bridge, another half cell and this one. Limitations of standard hydrogen electrode. Hydrogen electrode is inconvenient for use in practical routine laboratory experiments since it has got the following practical problem. इसमें मतलब कि जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो इसमें लेबोरेटरी के मतलब कि यूज़ के समय जो हमारा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो मेनली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रीज़न क्या है, तो हमारा फर्स्ट रीज़न है इट रिक्वायर अ लार्ज गैस सिलेंडर। इस हमारा लेबोरेटरी में तो आपका लार्ज गैस सिलेंडर चाहिएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एंड सेकंड, हाइड्रोजन एंड एयर मिक्सचर इज़ हाईली एक्सप्लोजिव, एंड थर्ड इज़ कैटलिस्ट इज़ इजली पॉइजन्ड।